दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज वीके। दोस्तों अगर आपने भी ई श्रम कार्ड के तहत अपना पंजीकरण कराया है, यानी कि आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, तो सरकार ने इस दिवाली आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 3,000 रुपए पर मंथ। आप केवल 55 रुपए से 72 रुपए पर मंथ जमा करके आप सरकार से 3,000 रुपए का पर मंथ लाभ ले सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ई श्रम कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई श्रम कार्ड के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से यहां तक आ सकते हैं। जब आप यहां पे आओगे तो आपको नीचे के साइड में लिखा गया है, जहां पे देख सकते हो 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन के लिए रजिस्टर करें, यहां पे हमको क्लिक करना है। देन आपके सामने न्यू पेज डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब तक इस योजना में कुल 45,11,540 लोगों ने भाग लिया है, यानी कि इतने सारे लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग ई श्रम कार्ड धारक कौन कौन यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो पहला आपको एक वर्कर होना चाहिए, यानी कि आप एक वर्कर हैं, श्रम विभाग से जुड़े होने चाहिए, एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आपकी मंथली इनकम है वो 15,000 से नीचे की होनी चाहिए। नीचे के साइड में इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको पहले से मेंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिससे ईपीएफओ, एनपीएस, ईटीसी आदि में आप यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मेंबर ना हो तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऊपर के साइड में बहुत सारी चीजें लिखी है, अगर मैं आपको एक छोटे शब्दों में समझाना चाहूं तो इसमें यह बताया गया कि जो भी कार्ड धारक इस योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देता है और मान लीजिए उसकी बीच में ही कभी मतलब खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को उसके आधे रकम यानी कि 1500 पर पेंशन दी जाएगी, और अगर वो विकलांग हो जाता है तो उसकी पेंशन को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि वो 6,000 रुपए पर मंथ उसको मिलने लगेंगे। दोस्तों यहां पर बीच में एक मंथली कंट्रीब्यूशन का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे यह जानने के लिए कि हमें कितने रुपए पर मंथ जमा करने होंगे तो हमें कितना रुपया पर मंथ मिलेगा। आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें यहां पर एंट्री एज जो होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए यहां पर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में यहां पर आपको यह बताया गया कि कितने सालों तक आपको पैसे जमा करने हैं। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये बताया गया कि आपकी अगर एज 18 है यानी कि 18 साल की है तो आपको 55 रुपए जमा करने, और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सरकार भी उतने ही रुपए जमा करेगी और टोटल आपके जो अकाउंट में है वो टोटल 110 रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं शॉर्टली समझाऊं, आप यहाँ पर इसे मान लीजिए मैं 23 साल का हूँ तो मुझे यहाँ पे 60 साल तक 72 रुपए जमा करने हैं पर मंथ, और सरकार भी उतने रुपए जमा करेगी तो मेरे खाते में टोटल 144 रुपए पर मंथ डिपॉजिट होने लगा। ये प्रक्रिया आपके 60 साल होने तक चलती रहेंगी, जितने भी पैसे आप जमा करेंगे उसका इंटरेस्ट के साथ 60 साल होने के बाद आपके अकाउंट में वो अमाउंट तो आ ही जाएगा, और 60 साल होने के बाद सरकार आपको 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेंशन योजना भी देने लगेंगी, यानी कि टोटल आपके अकाउंट में लगभग 1,00,000 रुपए आएंगे और आप उसके बाद पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं और जानते हैं कि कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके सामने। अगर आप सीएससी के थ्रू करना चाहते हैं सीएससी वेलाई को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा है, इसको कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस साइट का मेन डैशबोर्ड आ चुका है, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ऊपर के साइड में यहाँ पर डैशबोर्ड के बगल में एक एनरोलमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म को हम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स हमसे मांगा जा रहा है यहाँ पर हम उस डिटेल्स को फिल करेंगे। बगल के साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि आपको क्या क्या डिटेल्स को फिल करनी है। सबसे पहले आप आधार नंबर फिल करेंगे,
फुल नेम एंटर करेंगे, इंटर मोबाइल नंबर करेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। आपको यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको नो को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो है वो इंडिया से बाहर बिलोंग करते हैं, तो नहीं भाई मैं इंडिया में बिलोंग करता हूँ, मैं यस नो करूंगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल, फिलहाल यहाँ पे ओबीसी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कार्य टाइप को सिलेक्ट करना है, यानी कि उस कार्य टाइप को सिलेक्ट करेंगे जो आप ई श्रम कार्ड बनाते टाइम आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी है ठीक है, तो वो आप चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी अन्य पेंशन योजना में भाग लिए हैं तो आप यस करेंगे, वरना इस ऑप्शन को नो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आप टैक्स प्रेयर हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड नंबर यानी कि आपको यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। आपको वही अकाउंट नंबर है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपके ई श्रम कार्ड का 12 डिजिट का एंटर यानी नंबर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म को एक्सपायर करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे पूछने सेलेक्ट ऑथ टाइप, यानी कि आपके पास आई ट्रांजेक्शन का तीन टाइप है, पहला एफएमआर, दूसरा ओटीपी, तीसरा इरिस, ठीक है। यानी कि आपके सामने तीन ऑप्शन है, अगर आप फिंगर बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं अपना आई ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी माने तो आप ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम टर्म को एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ओटीपी है वो हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, वही मोबाइल नंबर पर सेंड करा जाएगा जो मोबाइल नंबर हमारा ई श्रम कार्ड बनते हुए बनाते वक्त हमें अपना मोबाइल नंबर डाला था। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी आपकी ई श्रम कार्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना जो है वो आईएफएससी कोड को एंटर करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपका बैंक नेम ले लेगा, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, सिलेक्ट टाइप यानी कि आपका अकाउंट जो करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में आपको ये फिल करना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, इसको सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्पूज नेम में आपको अपने फादर का नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारी है, ठीक है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 76 रुपये देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। उसके बाद 76 रुपये जब हम देंगे तो 76 रुपये सरकार भी देगी, और यहाँ पर आपके बैंक से ऑटोमेटिक 1 मंथ कंप्लीट होने पर 76 रुपये आपके बैंक से कट जाएंगे, और ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सारी चीज़ें को एक्सपेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी चीजें हो चुकी है, अब यहाँ पे आप प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म की, ठीक है। और फॉर्म यहाँ पर एक प्रिंट आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद गाइस आपको इस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे इस फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यानी कि आपसे कह रहे हैं कि आप 76 रुपये पे कीजिए अभी इसी वक्त, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यानी कि पे यूजिंग यू मनी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पर मेन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो है वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इस कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है कि आपने किस डेट को इसको अप्लाई किया है, आपको कितने रुपए जमा करने हैं पर मंथ, और आपके अकाउंट में कितने रुपए पर मंथ डिपॉजिट हो जाएंगे, और आपको कितने साल बाद आपकी मूलधन के साथ साथ आपको पेंशन योजना का भी लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों यहां पर ये कार्ड आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं या पीबीसी में भी आप छपवा कर रख सकते हैं। तो गाइस यार उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। तो यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार वो लोग भी जान पाए और मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।